फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आशा करती हूँ सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो मैं आपके अपने चैनल सुजाता किचन एंड लाइफस्टाइल में आपका स्वागत करती हूँ। तो आज मैं बनाने वाली हूँ गाजर का हलवा, बिल्कुल अलग तरीके से। तो चलिए शुरू कर लेते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे ले लिया है मैंने एक कढ़ाई, और कढ़ाई में लिया है मैंने कोकोनट पाउडर, डेसिकेट कोकोनट पाउडर, जो कि आपको इजीली मार्केट में अवेलेबल हो जाएगा। अगर आप इस तरह का पाउडर नहीं लेना चाहते तो आप फ्रेश नारियल भी ले सकते हैं, जिसको आप कद्दूकस कर लीजिए। तो यहाँ पे हमें इसे थोड़ा सा भूनना है, हल्का सा सोनापन आने तक, जब अच्छी सी धीमी धीमी सी खुशबू आने लगे तब तक हमें इसे भूनना है। भूनकर मैंने इसे निकाल लिया है। अभी मैं यहाँ ले रही हूँ देसी घी, और 2 से 1 चम्मच लिया है मैंने घी, और लिया है गाजर कद्दूकस किया हुआ। इसको भी मैं अच्छे से भूनूंगी, थोड़ा सा कलर चेंज करूंगी, इसका जो मॉइस्चर है वो अच्छे से सुखा लूंगी जब तक। तो आप इस तरह से गाजर का हलवा बनाकर देखिए, जो कि बहुत ही यूनिक टेस्ट आएगा और आपको बार बार इच्छा करेगा इस तरह से बनाने का। तो इसमें नारियल का बुरादा डाला है, जो कि इसकी टेस्ट में और 4 चांद लगा देता है। तो मैंने यहाँ पे देखिए गाजर को अच्छे से भून लिया है, और अभी जो ये हमने कोकोनट पाउडर जो करके रखा था भूनकर, वो मिक्स कर दिया है, और इसमें लिया है 1.5 कप दूध का। और आप चाहें तो इसमें कंडेंस्ड मिल्क भी यूज़ कर सकते हैं। और यहाँ आधी कटोरी लिया है मैंने यहाँ मिल्क पाउडर का, जो कि अच्छा सा खोए जैसा इसमें फ्लेवर आएगा। तो इस तरह से बना के देखिए, बिल्कुल ही अलग सा ये गाजर का हलवा है, जो कि खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी है और बनाना भी ज़्यादा ईजी है। तो इस तरह से मैंने चीनी डाल दिया है स्वाद के हिसाब से, और दूध का पाउडर मिक्स कर दिया है। और अभी अच्छे से हमें इसे पूरा दूध सूखने तक हमें इसे पकाना है मीडियम आंच पर, और बीच बीच में हम इसे चलाते रहेंगे। और अभी डाल दिया है मैंने 3 से 4 हरी इलायची के, छोटे हरी इलायची के, और अभी डाल दिया है मैंने यहाँ पे ड्राई फ्रूट्स। तो ये आपके मन पे डिपेंड करता है कि आपको खाना है या नहीं, तो अपने हिसाब से आप कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं। और ये देखिए हमारा जो गाजर का हलवा है वो ऑलमोस्ट अब रेडी होने वाला है। इसका सारा मॉइस्चर जो है वो सूख चुका है, और हम हल्का सा इसका जो होता है इसको थोड़ी देर और भूनेंगे, ताकि इसमें हल्का सा एक सोनापन आ जाए। तो देखिए हलवा तो हमारा बनकर रेडी हो गया है, बहुत ही अच्छे से कलर आ गया है इसका। तो चलिए हम इसे निकाल लेते हैं एक बर्तन में, और इसका कलर देखिए कितना प्यारा आया है। और अभी आप इससे मन चाहे अपने ड्राई फ्रूट्स जो भी आपको पसंद हो वो इससे इसको गार्निश कर लीजिए और हलवा का लुत्फ़ उठाइए। वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो लाइक ज़रूर कीजिएगा फ्रेंड्स। और चैनल पे न्यू है तो सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए, जिससे कि आने वाली सभी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। तो मिलती हूँ एक नई रेसिपी के साथ नेक्स्ट ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू फॉर वॉचिंग।